छात्रों एक इकाई का अनुताप चल रहा है। तो आगे देखो, पटके मैंने पद पानी मोहे के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। आगे के दुखी होते हुए कह रही हैं, मैंने मोहे रूपी नदी में अपने पदपाणी हाथ पैरों को पटका था, यानी कि मैंने अपने मोहे के कारण ही तुमको तो बनवास दे दिया और भरत को गद्दी मांग ली। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, यानी कि मनुष्य, जन माने मनुष्य, मद माने पागलपन में या स्वप्न में क्या क्या नहीं करते हैं, वही मेरा मैंने किया है अपने लिए। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। मेरे को इतना दंड मिल चुका है कि इससे भारी दंड मुझे क्या मिलेगा जो मैं उससे डर जाऊंगी। यानी मैंने पति को खो दिया, भरत ने मुझसे मुंह फेर लिया, तुम्हें वनवास दे दिया, अब इससे बढ़कर मुझसे कौन सा दंड मिलेगा। हे राम, मेरे विचारों को या भावनाओं को गलत ना समझें, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, यानी कि जब भी मेरा विचार दयापूर्ण था इसलिए मेरे विचारों को अर्थात भावनाओं को गलत ना समझा जाए। हा दया हंत वह घृणा, है वह करुणा, वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। हाय, मेरे मन से दया भी गई, घृणा भी मर गई, हंत माने नष्ट हो गई, हाय वह करुणा भी अब मेरे लिए कुछ भी नहीं। वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा, आई जाह्नवी नदी और वरुणा नदी आज मुझे वैतरणी माने शत्रु के समान लग रही हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। हे विचारवान व्यक्तियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो कि मुझे अनेक समय तक, यानी कि बहुत समय तक नरक के दुखों को मैं सहन कर सकती हूँ और मुझे नरक से कोई डर नहीं लगेगा, लेकिन पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, यानी कि मुझे स्वर्ग का सुख दोगे तो लेकिन मुझे वो दंड से भी भारी लगेगा, यानी कि मुझे स्वर्ग की दया मत देना, वो मुझे दंड से भी भारी लगेगी। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। मैंने कुलिश माने वज्र के समान, मैंने अपने हृदय को वज्र के समान कठोर करके तुम्हें वनवास भेजा था। हे राम, मैंने इसके लिए ही, यानी कि भरत के लिए ही तुम्हें वन में भेजा, अपने मन को कठोर। हे राम, घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियों, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। हे राम, मेरे हृदय की भावनाओं पर विचार करके हे राम अब घर को चलो, घर चलो इसी के लिए, यानी कि इस भरत के लिए ही घर चलो, अब मुझसे ज़्यादा रुष्ट मत हो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ, अब इतनी बात मैंने कह ली, सबने ध्यान से सुन ली, अब इससे भी ज़्यादा और कहूँगी तो मेरी बात को कौन सुनेगा, अर्थात क्यों सुनेंगे मेरी बातों को। अब इतने रहने दो, काव्य संदर्भ वही है, कर लेना इसे यहीं से, पूरा यहाँ से कर लेना। हा दया अंत वह घृणा, सुनेंगे सब क्यों, लास्ट तक कर लेना इसे, ठीक है।